बात, नाम तो सुना होगा। इनकी लाइफ पे बेस्ड न्यू फिल्म साइना, जिसे अगर आपने देखना है तो घर पे नहीं बैठ सकते, बिकॉज दिस वन इज रिलीजिंग इन थिएटर्स। माय नेम इज स्तुति घोष, यही फिल्म मैं रिव्यू करने वाली हूँ। इट हैज बीन रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अमोल गुप्ते। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप बैडमिंटन में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, या सायना नेहवाल के करियर को क्लोजली फॉलो किया है या नहीं, शी इज अ हाउस होल्ड नेम एंड एन इनक्रेडिबल यंग वुमन। मतलब इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो आम लोग नहीं कर पाते। द ओनली इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, मेल और फीमेल, टू हैव वन 24 इंडिविजुअल टाइटल्स। ओलंपिक मेडल इनके पास है, वर्ल्ड नंबर वन रह चुकी है, नेशनल चैंपियन है, सब किया है। यानी ये सब्जेक्ट तो परफेक्ट है फॉर अ बायोपिक। So hair pulled back using colorful clips, और चेहरे पे वो prominent left cheek पे दिल, आँखों में determination। परिणीति चोपड़ा does a fab job of looking and being साइना on screen। शुरू-शुरू में उनकी वो हरियाणवी accent थोड़ा sits uneasily, but slow and steady परिणीति ensures she melts into this character। More on this later। अभी बात करेंगे about sports biopics। थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक तो जो स्पोर्ट्स बायोपिक्स है ना, उनकी ट्रैजेक्टरी इज वेरी फेमिलियर। यू नो अंडरडॉग है और फिल्म के एंड तक यही जीतेगा। सो यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव विद द ट्विस्ट्स एंड टर्न्स दैट यू इंट्रोड्यूस, ताकि हम ऑडियंस इंटरेस्टेड रहे और इन्वेस्टेड रहे। और दूसरा स्पोर्ट्स फिल्म है, सो द मैचेस, द गेम, दैट हैज टू बी शॉट इन अ वे दैट इज ऑथेंटिक। हमें वो एड्रेनलिन रश फील होना चाहिए, लगना चाहिए एक लाइव मैच देख रहे हैं। सो फुल क्रेडिट टू सिनेमेटोग्राफर पीयूष शाह एंड एडिटर दीपा भाटिया, हु इंश्योर कि इंडोर स्टेडियम्स कम लाइव, स्विफ्टली प्लेयर्स मूव कर रहे हैं, ऑल दैट इज गेटिंग कैप्चर्ड, यू फील लाइक यू आर एक्चुअली वॉचिंग अ मैच, यू आर रूटिंग फॉर साइना एंड प्रेज फॉर परिणीति चोपड़ा। यार यू कांट ब्लफ दिस, मेहनत नजर आ रही है, बिकॉज देर आर सो मेनी सीन्स इन द फिल्म वेयर शी इज शोन प्लेइंग, शी इज ऑन द कोर्ट, तो वहां पे व्हेन शी इज होल्डिंग द बैडमिंटन रैकेट, यू नो शी मीन्स बिजनेस। सो फिल्म की शुरुआत होती है परिणीति चोपड़ा, यानी कि सायना के वॉइस ओवर के साथ, वेयर शी इज टेलिंग अस कि कैसे करछी कढ़ाई छोड़कर उन्होंने तलवार को चुना, रेफरिंग टू हर बैडमिंटन रैकेट। फॉर अ फिल्म which starts with Saina's voice, it's just tragic कि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वो वॉइस कहीं डिसअपेयर हो जाती है। अब सोच के देखो, आप बायोपिक देखने गए, साइना नेहवाल पे ये फिल्म बेस्ड है, फिल्म के एंड में साइना की अचीवमेंट स्क्रीन पे लिखी हुई आ जाती है। ऑल्सो देर आर पिक्चर्स ऑफ द रियल साइना एंड रील साइना, द रिजेम्बलेंस इज इंडियरिंग, द ट्रिब्यूट इज हार्ट वार्मिंग। बट अचीवमेंट्स पता लगानी थी तो वो तो हम गूगल भी कर सकते थे ना। जब आप उनपे फिल्म देखने जा रहे हो तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि उनकी पर्सनालिटी का कोई ऐसा एस्पेक्ट पता चले जो आम तौर पे उन्हें टीवी पे देख के या उनके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ के हमें नहीं पता चलता। दैट डजंट हैपन हियर। इन अदर इंस्टेंस वेयर साइनास कैरेक्टर मेक्स एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि यार बिकॉज मैं एक फीमेल प्लेयर हूँ, सो माई कमिटमेंट टू द स्पॉट कैन बी क्वेश्चन इफ आई एम रोमांटिकली इन्वॉल्व विद समवन, बट दिस वॉज नेवर आस्क्ड टू से समवन लाइक सचिन तेंदुलकर दैट यू गॉट मैरिड सो अर्ली, वेयर वॉज योर कमिटमेंट टू द स्पॉट। एंड यू वॉन्ट दैट द फिल्म शुड स्टे विद दिस फॉर सम टाइम, थोड़ा एक्सप्लोर कर लो। बट नहीं जी, पिक्चर के अपने नखरे हैं तो वो ऐसे किसी डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते जहाँ कुछ अलग पर्सपेक्टिव हमें मिल जाए। जो फॉर्मूला चले आ रहा है उसी को छाप। Make no mistake about this, Saina the film has its moments, okay? Also the performances are special. On screen, Saina ki mummy bani hai Meghna Malik. Very dominating, Haryanvi, unko dekhne mein bahut maza aata hai. Unke father utne hi quiet, supportive, Shubhrajit Barat ne bahut khubsurti se ise nibhaya hai. Now there is a point where you can see ki Saina ki mom ki expectations unse itni zyada hai that it's putting mad pressure on this young girl, and you want that the film should explore this fascinating relationship jahan pe you have to help someone to push their limits, and yet in doing so you can push them to a frightening brink. But film डरपोके, फिल्म डजंट वॉन्ट टू गो एनीवेयर जहां पे वो अभी तक नहीं गई है, सो बहुत सेफ खेल रही है, और उस सेफ के चक्कर में पिक्चर थोड़ी फ्लैट और बोरिंग हो जाती है। द फिल्म कम्स अलाइव एवरी टाइम मानव कौल इज ऑन स्क्रीन, उनको देखते ही आप समझ जाओगे इनका किरदार वो लीला गोपीचंद पे मॉडल्ड है, बट फॉर सम रीजन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड राजन। अच्छा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये है एक आइडियलिस्ट नो नॉनसेंस गुरु, और साइना headstrong, passionate shishya. अब ये एक साथ आते हैं, फिर लड़ाई होती है, फिर वापस आते हैं, क्यों ये फिल्म नहीं बताता, बिकॉज फिल्म इज इन अ हरी टू एंड, एंड यू नो वो भी एकदम फॉर्मूला है, तो आफ्टर अ स्ट्रिंग ऑफ डिफीट्स फाइनली साइना विल विन एंड द फिल्म एंड्स ऑन अ हाई नोट। द ट्रिब्यूट इज हार्ट वार्मिंग, लाइक आई सेड फिल्म के एंड में उनके अचीवमेंट्स लिखे हुए आते हैं,
but you expect more. It could have been so much better. So I'm going to end my review using a fabulous dialogue from this film. डर इस बात का नहीं कि हम सपने बड़े देखते हैं, डर इस बात का है कि हम छोटे सपने देखते हैं और वो पूरे हो जाते हैं। बड़ा सपना देखा रियल साइना नेहवाल ने, कमाल कर दिया। I wish this film that tells her story had also been as brave and had dreamt big. तो कुछ अलग, refreshing, different perspective देते, but they decide to play it safe. तो मामला थोड़ा एवरेज रहा। I'm going to give it 2.5 quints out of 5. I of course loved the performances. Also, the way it was shot, but I wish they had given us थोड़ा सा कुछ different and अलग. So I hope this video was helpful. Don't forget to like it, share it, subscribe to the Quint. Also, अच्छे वाले comments लिखना ना भूले. फेसबुक पे मेरा पेज है स्तुति ऑन द क्विंट। आजकल इतना कंटेंट आ रहा है, कुछ ओटीटी पे, कुछ थिएटर पे, क्या देखें क्या ना देखें, सबकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहीं पे।